दोस्तों, हर दिन नहाना बहुत ज़रूरी है। ये हम सभी जानते हैं कि नहाने से, क्योंकि हमें शुरू से यही सिखाया गया कि सुबह नहाना ज़रूरी है, इसलिए हम नहाते हैं। क्या आप जानते हैं नहाना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, नहाने से हमारे शरीर से निगेटिव तत्व, यानी कि जो विषैले पदार्थ दिन भर में जो हमारे शरीर से निकलते रहते हैं, वो साफ होते हैं और हमारा शरीर क्लीन होता है। तो किसी भी बीमारी, रोग, स्किन एलर्जी, इन सब से हमारा बचाव होता है। और इसके साथ ही, क्योंकि जल चंद्रमा है, जब ये हमारे तन पर पड़ता है तो हमारी 9 के 9 ग्रहों को ये संतुलित बैलेंस कर देता है। आपने भी महसूस किया होगा, बिना नहाए आप अपने आप को बहुत अधिक थका हुआ महसूस करते हैं, आपका कोई कार्य करने का मन नहीं करता, लेकिन जब आप नहा लेते हैं अचानक से आपके अंदर एकदम ऊर्जा आ जाती है और हर कार्य तेजी के साथ में करने लगते हैं और हर कार्य में आपका मन लगने लगता है। यानी इस जल के माध्यम से आप अपना चंद्रमा अच्छा कर लेते हैं। वो व्यक्ति नहीं नहाना चाहते जिनकी कुंडली में केतु खराब हो या शनि खराब हो, ऐसे लोग नहाना नहीं चाहते हैं। एक एक दो दो दिन, चार चार दिन छोड़कर नहाएंगे, जिससे उनके शरीर से विषैले तत्व निकलने लगते हैं, दुर्गंध आने लगती है, और कोई ऐसे व्यक्तियों के पास बैठना भी नहीं चाहता। और जिनकी कुंडली में दुर्भाग्य योग, यानी कि जिसको हम बोले निर्धनता योग लगा होता है, ऐसे लोग भी नहाना नहीं चाहते। ऐसे लोग भी गंदे, मैले कुचैले रहते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, कई दिनों पुराने कपड़े पहनते हैं, पहनते जाएंगे धोएंगे नहीं कपड़े। इससे भी हमारे जीवन में दरिद्रता योग बनने लगता है। आज मैं पानी के माध्यम से आप अपने आकर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे हर कोई व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अट्रैक्शन हर किसी को अच्छा लगता है। एक छोटे बच्चे को भी अट्रैक्शन अच्छा लगता है कि उसके मम्मी पापा उस पर ध्यान दें। यही अट्रैक्शन है कि मेरे से जुड़े हुए सब व्यक्ति मेरे प्रभाव में रहें, चाहे वो मेरे परिवार के सदस्य हों, चाहे मेरे दोस्त हों, मेरे रिश्तेदार हों, या मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे अट्रैक्शन में सब रहें। इस प्रयोग को जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, कैसे आप अपना नहाने के जरिए अट्रैक्शन पावर बढ़ा सकते हैं, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं हर दिन को लकी बनाने वाले आपके अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताती हूँ, साथ में आपको लकी नंबर भी देती हूँ। ये एक मिनट का प्रयोग आपके जीवन में आपको संतुलित करता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके चंद्रमा को भी बली करता है, धन आगमन के मार्ग खुलता है, भाग्य का साथ दिलाता है और साथ में सभी के साथ में आपका रिश्ता अच्छा होने लगता है। तो एक मिनट का प्रयोग है, आपका व्यापार, काम धंधा सब कुछ अच्छा चलने लगता है, जरूर करना चाहिए। इनकी विशेषता ये भी है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद प्रभावी है। ना इसमें राशि देखने की आवश्यकता, नहीं लगनी, किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे सुप्ता प्राप्त कर सकता है। 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र हो, आपको कर लेना चाहिए। 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 2:03 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:06 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालना और इस पानी से आपको स्नान करना है, जिससे आपके पूरा दिन आपका एनर्जेटिक बना रहे, किसी तरह के भी नकारात्मक विचार आपके मन मस्तिष्क में ना आए। आज का जादुई अक्षर है हा, हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। किसी दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जैसे मैं आपसे बता रही हूँ, स्नान नहाना ज़रूर चाहिए। नहाने से आपके जीवन में आपके विषैले तत्व तो निकलते ही, आप सकारात्मक तो होते हैं, आपके 9 के 9 ग्रह भी संतुलित होने लगते हैं। इन 9 ग्रहों को संतुलित करते जाते हैं तो आपका आकर्षण वैसे भी बढ़ने लगता है। हर ग्रह की जब आपको पॉजिटिविटी मिलने लगती है, हर ग्रह का सपोर्ट मिलता है, तो आपके अंदर एक आकर्षण क्षमता वैसे भी आ जाती है। हर ग्रह आपको आकर्षित बनाता है।
जिसमें चंद्र है, शुक्र है, बुध है, सूर्य है, ये सभी आपके आकर्षण को बढ़ाना शुरू करते हैं। यहां आज मैं कुछ चीजें भी आपको और बताऊंगी, जैसे ग्रहों को आप संतुलित करना चाहते हैं, अगर आप अपने बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं तो चुटकी भर हल्दी डालकर आप पानी में नहा सकते हैं, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होने लगता है। आप इसे हर बृहस्पतिवार डालकर भी नहा सकते हैं, अपने गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारी पूरी कुंडली में हमारे धन के, हमारे संतान के, हमारे वैवाहिक सुख के, भाग्य के और लाभ के कारक हैं। तो हर दिन नहीं करना चाहते तो आप गुरुवार गुरुवार चुटकी भर हल्दी डालकर भी पानी में स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते हैं, अगर आपके अंदर बहुत अधिक निगेटिव विचार चल रहे हैं, आपको ऐसा लगने लगा है कि सामने वाला आपकी बात से इम्प्रेस नहीं हो रहा है, या आप हर बात पे तर्क वितर्क करने लगे हैं, या सामने वाले की बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तब आपको नमक का स्नान करना चाहिए। पानी में नमक डालकर स्नान कीजिए, लगातार 7 दिन करिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। आपकी निगेटिविटी कटने लगेगी, आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव आ गया वो कटने लगेगा, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और सभी से आपके विचार मिलने भी लगेंगे। आप अगर धन की तंगी से जूझ रहे हैं, बहुत अधिक आपको धन की तंगी आ गई है, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ग्रहों की महादशाएं चल रही हैं, या प्रत्यंतर ऐसा चल रहा है कि चारों तरफ से धन हानि हो रही है और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा जहां से धन आए, आपको ये प्रयोग शुक्रवार को करना है। मिट्टी का एक छोटा सा मटकी ले लीजिए, इसमें आप 1 चम्मच पीली सरसों डालकर इसको पानी से भर के रात्रि के समय रख दीजिए। शनिवार को आपको इसी पानी को छानकर इसी पानी से आपको स्नान करना है। लगातार आप हर शनिवार करेंगे, कम से कम 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार, करते करते आपकी कुंडली में जो दरिद्रता योग बन गया है, इस समय ग्रहों का जो निगेटिव इम्पैक्ट बन गया है, वो कटना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में माता मां लक्ष्मी की असीम कृपा आने लगेगी और आपके जीवन से धन की किल्लत दूर होने लगेगी। इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे इस समय लग रहा है, इस समय वो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। आज मैं आकर्षण की बात कर रही हूं दोस्तों, अपना रूप सौंदर्य आकर्षण बढ़ाने वाला, ये हर कोई व्यक्ति चाहता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे लड़के हो, चाहे लड़कियां हो। आप भी अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, या आप लगातार 7 दिन भी कर सकते हैं, आप 11 दिन भी कर सकते हैं इस प्रयोग। नहाने के पानी में आपको डालना है थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा दही, 1 चम्मच दही, 2 चम्मच आप गुलाब जल डालेंगे, 2 चुटकी इसमें आप डालेंगे हल्दी, अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं इसमें। इसके साथ आप डालेंगे थोड़ा सा, आपके पास शहद है, शहद डालेंगे कोई 1 चम्मच, इसके साथ ही थोड़ा सा कपूर हाथ से मैश करके इस पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इस पूरे पानी को आप चला लीजिए। अब आपको 7 बार इसको अपने पहले कंधे से डालना शुरू करना है और अपने आप को बोलना है, अपने मन में बोलना है कि मेरा इससे रूप आकर्षण बढ़ रहा है, हर कोई व्यक्ति मुझसे आकर्षित हो रहा है। वो आपके कोई भी आकर्षण में, आपके पति, प्रेमी, पार्टनर, जिसको भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, आप उसका भी नाम ले सकते हैं। 7 मग्गे आप डालेंगी, कंधे से डालेंगी आप इस तरह से 7 मग्गे। उसके बाद आप पूरे पानी से स्नान कर लीजिए, साबुन लगाकर करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद जब आप नहाने के बाद घर के मंदिर में आएंगी, तो अगर आपने कान्हा को बिठा रखा है तो कान्हा को आप लगाएंगी सफ़ेद चंदन का टीका, और थोड़ा सा टीका अपने मस्तक पर लगाते समय आपको उस व्यक्ति का ध्यान करके क्लीम मंत्र का 27 बार जाप करना है, और आपको ऐसा भी विचार करना है कि वो आपके आकर्षण में बंध गया है। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन नहीं है तो ये प्रयोग आप केसर से भी कर सकते हैं और हल्दी से भी कर सकते हैं, ये महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। जिन पति पत्नी में बहुत ज़्यादा अनबन रहती है वो भी ये प्रयोग कर सकते हैं, जिन पति पत्नी में डिवोर्स तक की नौबत आ गई है वो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको बिहेवियर भी अच्छा करना है, जिससे कि सामने वाले की बात आपको सुननी भी है, जिससे कि वो आपकी बातों को समझ सके। बात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि झगड़ा हर समय नहीं करना है। ये प्रयोग करेंगे आप लगातार 7 दिन करके 2-4 दिन का गैप कर दीजिए, फिर से शुरू कर लीजिए, और इसे करने में कोई हानि भी नहीं है, इसे हर कोई कर सकता है, और ऐसी चीजें हर एक के घर में मिल जाएंगी, हर एक के घर में सुलभ है। आप इसे जरूर कीजिएगा और बताइएगा इससे आपका अच्छा। ये केवल आपके घर वालों, घर के परिवार या पति प्रेमी पर ही काम नहीं करेगा, आप बाहर जहां भी जाएंगे
वहां पर भी आपका काम करेगा। अपने ऑफिस में आप जा रहे हैं वहां काम करेगा, आप व्यवसाय करते हैं वहां काम करेगा, आप किसी सरकारी अफसर से मिलने जा रहे हैं वहां भी काम करेगा। जो मैंने तिलक बताया नहाने की विधि वही है, और तिलक लगाकर आप जा रहे हैं। अचंभित रूप से आपके आकर्षण इतना बढ़ेगा कि सामने वाला भी आपसे अचंभित हो जाएगा। कीजिएगा प्रयोग, क्या लाभ मिला कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जिनका बर्थडे या मेरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 14 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर आपको हल्दी से 5 नंबर लिखना है, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं लगातार आपको मेरे वीडियोज मिलते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी तरह के आपको यंत्र इत्यादि चाहिए या जो हमारी सामग्री आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, कैटलॉग मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें जो हम वीडियोस में बताते रहते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पता कर सकते हैं आप कैसे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। कल फिर आऊँगी कुछ ऐसा ही कुछ नया अद्भुत लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।